Very good morning, all of you. Welcome to the amendment class. In this particular class, we are going to discuss all the amendments for CA final corporate and economic laws for the attempt of May 2020. So jitne bhi hamare amendments hain, we are discussing from the RTP itself, so you don't need any separate notes for the same. Aur hamare amendments ka jo period hai, that's up till 31st October. Okay, so 31st October to 2019 tak ke hum amendments isme discuss karne wale hain, and they are going to be chapter wise. So वन बाय वन हम चैप्टर टेक अप करेंगे, देखेंगे उसमें क्या अमेंडमेंट है, विच आर द रेलिवेंट वंस, विच आर इररेलीवेंट, और कैसे हमारे उसमें क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. बिकॉज एज वी ऑल नो, जो हमारा अमेंडमेंट्स का पार्ट होता है वो काफी परसेंटेज कवर करता है हमारे क्वेश्चन पेपर का, राइट. अमेंडमेंट्स में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स वाई दे आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें फ्रेम हो सकते हैं, हाउ एमसीक्यूज कैन बी फ्रेम्ड, हाउ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, केस स्टडीज कैसे हो सकती हैं. ऑल्दो अभी जो हम अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, कंपेयर टू व्हाट हैव बीन द अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट्स काफी कम है. मतलब ये आपके लिए खुशी की बात है कि बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं. अमेंडमेंट एक्ट आई 2019, तो उसके थ्रू काफी अमेंडमेंट्स आए हैं, बट कम है, इजी है, आराम से हो जाएंगे. सो इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स में एक आपका अमेंडमेंट आया है विच कैन बी यूज्ड एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन. आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज द डेट हैज बीन चेंज्ड. मैम ये अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट क्या है ये समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोविजन क्या था. हमने डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ा है, आपने डिन पढ़ा है. डिन इज व्हाट? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. और इसके साथ साथ आपने केवाईसी भी पढ़ी है कि हर पर्सन जिसके पास डिन होता है उसको सबमिट करनी होती है आरओसी को अपनी केवाईसी, दैट इज नो योर कस्टमर होता था जैसे, वैसे नो योर डायरेक्टर की केवाईसी जिसमें हमारे डिटेल्स होते हैं, राइट. बिकॉज इट कैन चेंज. आज मेरा एड्रेस ये है, कल मेरा एड्रेस कुछ और हो सकता है, राइट. सो इट कैन चेंज. लाइक वाइज यू हैड द ऑप्शन टू अपडेट ऑल्सो. इस DIR KYC जिसका हम फॉर्म बोलते थे DIR 3 KYC, इसमें कुछ चेंज आया है. अगर आपको पहले के प्रोविजंस याद हो, विच आई बिलीव याद होने चाहिए बिकॉज अब आपके एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, एंड सिंस यू आर रीडिंग अमेंडमेंट्स, तो आपको याद होगा हर पर्सन जो 31st मार्च को डिन होल्ड करता है, that is every director who holds a DIN as on 31st March of every financial year, उनको क्या करना होता था? DIR 3 KYC submit करना होता था registrar को on or before 30th April. Remember that? Now this has been changed. अब क्या हो गया है? इसमें change आ गया है. इसमें change क्या आ गया है? Time limit बढ़ गई. Time limit क्या हो गई? 30th September. Please encircle it. आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसको आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. 30th सितंबर. तो आपकी ये क्या हो गई? टाइम लिमिट पहली बात तो बढ़ गई. दूसरी बात, एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया है. मैम फॉर्म तो ऑलरेडी हमारे पास था DIR 3 KYC, तो अब फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी? देखो फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है वेब फॉर्म. मैंने आज अपनी DIR 3 KYC भरी, ठीक है, मैंने फुल फॉर्म पूरा भरा, सारे डिटेल्स भरे. अगले साल आप फिर मुझसे सेम डिटेल्स मांग रहे हो. It takes time. Do you agree? It takes time. Same details हैं, nothing has been changed. तो हमें registrar ने क्या बोला, हमें ministry ने क्या बोला, I'll make it easier for you. आपको pre-filled पूरा का पूरा details मिला है, just you have to validate at the click. आपके पास OTP गया, आपने चालान generate किया और submit कर दिया. Although fees is nil, but आपने चालान generate किया और भर दिया. क्या हुआ? हमारे लिए कितना आसान हो गया. मतलब मैम पूरा फॉर्म हमने भरा, पहला ऑप्शन हमने फॉर्म सबमिट किया. दूसरा ऑप्शन ये है ऑफ एन ऑनलाइन मैकेनिज्म. देयर इज वन ऑप्शन व्हिच इज DIR 3 KYC, एंड देयर इज अनदर ऑप्शन व्हिच इज द सेम ऑप्शन, बट ये वेब KYC हो गया. वेब इज व्हाट? इट इज एन ऑनलाइन मैकेनिज्म. सपोजिटली यू गो टू द पोर्टल, आपने क्लिक किया और आपने बोला कि दिस इज द फॉर्म दैट आई नीड टू सबमिट. आपने वो फॉर्म खोला, यू हैव ऑल द प्रीफिल्ड डिटेल्स. आपने जो लास्ट केवाईसी दिया था वही डिटेल्स आपके पास यहां पे भी आ रहे हैं. यू जस्ट हैव टू वैलिडेट द सेम. मैम व्हाट इफ देयर इज अ चेंज? पिछले साल कुछ और था, अब कुछ और है, हमको थोड़ा सा कुछ चेंज करना है. तो अगर आपको चेंज करना है तो आप इसमें
नहीं कर सकते. यू गेट दैट स्ट्रेट राइट. इसमें आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्या मिल रहा है हमको, असेट्स मिल रहा है. दीज आर फॉर दोज पीपल जिनका कोई चेंज नहीं है और जिन्होंने पहले भी आपको सारे डिटेल्स दे दिए, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज दे दिया है आपको. अब आप हर साल मांग रहे हो, हर साल आपके लिए ईज कर दिया. सो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अदर वे राउंड पूछा जाता है, व्हेन डीआईआर 3 केवाईसी वेब फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर इज एनी चेंज. आपको अगर कोई चेंज करना है तो चेंज करने का, उसमें ऑल्टर करने का ऑप्शन नहीं आता है कि हाँ दिस फील्ड आई वांट टू चेंज. इट इज प्रीफिल्ड, यू जस्ट हैव टू वैलिडेट. इफ यू वांट टू चेंज देन यू नीड टू फाइल डीआईआर 3 केवाईसी. एंड व्हाट इफ आई एम फाइलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. आपने मुझे आज रिकॉर्ड्स दिए, अगले साल फिर हम रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं तो आपके रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मेरे पास है, सो आई डोंट नीड टू कलेक्ट देम अगेन. बट जब आप फर्स्ट टाइम अपने रिकॉर्ड्स दे रहे हो, फर्स्ट टाइम अपनी केवाईसी दे रहे हो, तो कैसे मेरे पास पहले से रिकॉर्ड्स होंगे. सो व्हेन दिस पर्टिकुलर फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड इन दीज टू पर्टिकुलर सिचुएशंस, व्हेन यू वांट टू चेंज एंड व्हेन यू वांट टू when you're furnishing it for the first time. तो आपने पहले अगर DIR 3 KYC नहीं फिल किया है तो आप ये वेब फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो. एंड सेकेंडली अगर आपको चेंज करना है तो भी आप यूज नहीं कर सकते हो. सो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने आपको बताए, एक दिस पर्टिकुलर फॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दूसरा आपकी डेट चेंज हुई है. इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट जो है इट इज इरेलीवेंट. बस मोर बस मोर एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया गया है. पहले होता था कि हर इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड डिन उसको ये फर्निश करना होता था, अब हु हैज बीन अलॉटेड की जगह हु होल्ड्स आ गया है. सो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट बट दैट इज इरेलेवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो लेट्स रीड इट. डायरेक्टर्स केवाईसी हम पढ़ते हैं रूल 12A में. सो दिस हैज बीन अमेंडेड. पहला अमेंडमेंट ये हो गया, फॉर द वर्ड्स हु हैज बीन अलॉटेड द वर्ड्स हु होल्ड्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर वंस अगेन, मैं ये जो भी टेक्स्ट पढ़ रही हूं या जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज थ्रू आरटीपी ओनली. सो यू मे रेफर आरटीपी फॉर द सेम फॉर रिलेटिंग विद माय अमेंडमेंट्स दैट आई एम डिस्कसिंग. ओके, कोई भी आपको सेपरेट नोट्स रिक्वायर्ड ही नहीं है. प्लीज इसको ढूंढने के पीछे परेशान भी मत होना. इंस्टीट्यूट पेज हाई रिगार्ड्स टू देयर पब्लिकेशंस. सो आप प्लीज इंस्टीट्यूट के आरटीपी पे फोकस करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स सफिशिएंट. ठीक है, अगला है हमारा, देखो अमेंडमेंट जो आपको दिख रहा होगा डायरेक्टर्स के चैप्टर में, फॉर द वर्ड्स लेटर्स एंड फिगर्स सबमिट ई फॉर्म डीआईआर 3 केवाईसी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30th June ऑफ इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. द वर्ड्स लेटर्स एंड फिगर्स सबमिट ई फॉर्म डीआईआर 3 केवाईसी for the said financial year to the central government on or before 30th September of immediate next financial year shall be substituted. So this is something that I've already told you. ये मैंने आपको already बता दिया. इसके बाद दो provisions add किए गए हैं. Provisions क्या हैं? कोई एक individual जिसने e-form DIR 3 KYC submit किया है in any previous year और वो इस साल web form that is DIR 3 KYC web submit कर देता है, तो वो sufficient compliance होगा of this particular rule. मतलब आपसे ये नहीं सवाल किया जाएगा कि इस साल आपने DIR 3 केवाईसी नहीं सबमिट किया. अरे हमने DIR 3 वेब केवाईसी तो सबमिट किया ना, सो दैट इज सफिशियंट कंप्लायंस प्रोवाइडेड ये मैंने पहले भी सबमिट किया है. ठीक है, और इसके बाद दो बातें और लिखी हुई हैं. इफ एन इंडिविजुअल डिजायर्स टू अपडेट हिज पर्सनल मोबाइल नंबर और द ईमेल एड्रेस एज द केस में भी, उसको अगर वो अपडेट करना है तो वो अपडेट इस फॉर्म के थ्रू नहीं कर सकता. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? DIR 3 KYC ही यूज करना पड़ेगा. एंड द फी फॉर फाइलिंग DIR 3 KYC और वेब फॉर्म DIR 3 KYC थ्रू द वेब सर्विस, वो फीस कैसी होगी? एज इज गिवन इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फी रूल्स 2014. सो ये हमारे जो रूल्स हैं इसमें हर एक फॉर्म के लिए फीस स्पेसिफाइड है. सो व्हेनेवर वी वांट टू फाइल एनी फॉर्म हमको इस पर्टिकुलर रूल्स में देखना पड़ता है कि क्या फीस स्पेसिफाइड एंड अकॉर्डिंगली हम फॉर्म सबमिट करते हैं. सो आई होप दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज क्लियर. सो द डेट 30th September, अ न्यू फॉर्म राइट. ये आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बोथ
are important, even the date and this particular web form also. And when two cases, it will not apply. That is the two provisions जो हमने discuss किए. चलिए, that's it with the first chapter. इसके अलावा इसमें कोई भी amendment नहीं है. Next हमारा है amendment in the chapter of meetings, board meetings, meetings of board and its powers, chapter 3. चैप्टर थ्री अगेन बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है और दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट रिलेट्स टू जैसे मैं पहले पढ़ती हूं आपके साथ इन द कंपनीज रूल्स 2014 एंड रूल 11 एंड सब रूल 2 फॉर द वर्ड्स बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज द वर्ड्स बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. अब ये पूरी आपसे किस बारे में बात कर रहा है बिकॉज डायरेक्टली हमको रूल 11 दे दिया गया है. रूल 11 बेसिकली इज कनेक्टेड विद सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट. सेक्शन 186 रेड विद रूल 11 क्या बोलता है हमें. इट इज ऑल अबाउट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी. हर एक की लिमिट है. बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अप्लाई करते हैं जब भी एक कंपनी क्या करती है लोन्स एडवांस करती है या इन्वेस्टमेंट. इसमें कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात है कि जो भी बातें सेक्शन 186 में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी बातें अप्लाई नहीं करेंगी टू सर्टन सेट ऑफ कंपनीज. जैसे एक बैंकिंग कंपनी होती है तो बैंकिंग कंपनी का तो काम ही क्या है. बैंकिंग कंपनी का काम ही है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. सो अगर आप उन पे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीजें प्लेस करोगे तो ये नहीं चल पाएगा. राइट. सो इट डज नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज. लाइकवाइज इसमें एक क्लॉज था जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी कंपनी अगर इट एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज. मतलब वो कंपनी क्या करती है कंपनीज को फाइनेंस करती है तो उस पे ये अप्लाई नहीं करेगा. पहले ये एम्बिट छोटा था दैट इज ओनली फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज वाज रिटन. अब क्या किया गया है इसमें लिखा गया है बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस. सो वेदर इट इज अ कंपनी और नॉट इफ यू आर फाइनेंसिंग एनी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस जस्ट टू प्रमोट इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो ये आपका थोड़ा सा बस परव्यू चेंज किया गया है. वेरी स्लाइट अमेंडमेंट. ठीक है. चलिए लेट्स मूव फर्दर. अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं. अगला चैप्टर है हमारा जिसमें हमें अमेंडमेंट डिस्कस करना है. इट इज इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट थ्रू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 बट नॉट एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो कोई मेजर अमेंडमेंट हो जिसको पढ़ के आपको लगे कि अरे यार ये क्या हो गया ये तो सेक्शन बदल गया एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसा कुछ नहीं है. छोटी छोटी सी बातें हैं. सेक्शन 212 सेक्शन 212 सेक्शन 212 क्या होता था. इन्वेस्टिगेशन का पूरा चैप्टर है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कंपनी बाय एसएफआईयू. By SFIU, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता था उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन होता था दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 212. इसके सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि इफ द डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर द वर्ड्स इफ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर. सो ओनली द थिंग ऑफ राइटिंग. मतलब पहले हमने स्पेसिफाई किया कि सिर्फ ये तीन लोग. अब हमने कह दिया कि इसके ऊपर का कोई भी ऑफिसर तो हो सकता है आपने उसके ऊपर कोई और भी ऑफिसर को अपॉइंट किया पर क्योंकि एक्ट में सिर्फ इन तीन का नाम था तो कोई और उसके परव्यू में इंक्लूड नहीं हो पा रहा था. हम नहीं बोल सकते थे कि हाँ इसके पास भी ये पावर है. बात किस चीज की हो रही है. पहले अगर हम बात करें तो बात हो रही है अरेस्ट की. एसएफआईयू के सेक्शन में हमने देखा था कंपनीज एक्ट में देयर इज अ पावर टू अरेस्ट ऑल्सो. राइट. पावर टू अरेस्ट ऑल्सो. वो पावर्स किसके ऊपर कन्फर की गई हैं. पहले था डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर. अब हमने बोल दिया एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर. सो उसके ऊपर आप किसी को भी अपॉइंट कर लो उनके पास ये पावर्स कन्फर कर दी जाएंगी कि उनके पास ये पावर होगी टू अरेस्ट एनी पर्सन अगर उनको लगता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सो क्लियर. तो इतना छोटा सा ये अमेंडमेंट है. उसके बाद हम जाते हैं सब सेक्शन नाइन पे. फॉर द पोर्शन बिगनिंग विद द वर्ड्स द डायरेक्टर एंड एंडिंग विद द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर सब सेक्शन ए द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सब सेक्शन ए शैल इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ सच
person under subsection shall be substituted. क्या लिखा? देखो, अगर हम जाएंगे subsection 9 में, तो वहां पे भी क्या लिखा हुआ है, पूरा अगर आप प्रोसेस समझो, तो सेक्शन 212 में हमने क्या बोला, पावर्स है ऑफ अरेस्ट. तीन लोगों को पावर्स दी गई है, उसकी जगह उन्होंने चेंज कर दिया और बोला एनी वन नॉट बिलो द रैंक ऑफ, या बस उतना ही हमने बोला. ठीक है, अब यहां पे तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि एनी वन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड. अगले सेक्शन में इनको प्रेजेंट करना होता है. Whoever you have arrested has to be presented in front of judicial magistrate. ठीक है, तो जब आप judicial magistrate के सामने उस person को लेके आते हो, आपने arrest किया है तो आप ही लेके आओगे. तो यहाँ पे अगेन उन तीन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो पहले सेक्शन सबसेक्शन 8 में भी लिखे हुए थे. कौन से नाम? डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर. इनको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, जब वहां पे पावर्स चेंज की तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपली ये लिख दिया, जो पर्सन ऑथराइज्ड है अंडर सबसेक्शन 8 वो ही यहाँ पे क्या करेगा, शैल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट उस पर्सन को सामने लेके आएगा. सो दिस इज ओनली ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें बदली हैं, कोई भी टेक्निकल चीजें यहाँ पे नहीं बदली हैं. अगेन लाइकवाइज इन सबसेक्शन 10, जैसे मैंने आपको बताया, इस पर्सन को हम किसके सामने लेके आते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आता है. 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसको प्रेजेंट करना होता है बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. यहां पे एक एडिशन हुआ है, स्पेशल कोर्ट के सामने भी आप ला सकते हो. स्पेशल कोर्ट इज स्पेशली डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ओनली. ठीक है, सो कंपनी लॉ का इंटेंशन ही यही था इसको इंक्लूड करने का. तो जहां पे SFIO में पावर्स थी कि अगर इसमें ऑफेंस आपको लगता है दैट एनी पर्सन इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अरेस्ट कर सकते हो. अरेस्ट करने के बाद आपको उसको प्रेजेंट करना होता है विद इन 24 आवर्स बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. यहाँ पे कोर्ट भी एड हुआ है, स्पेशल कोर्ट भी. सो यू कैन नाउ प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन फ्रंट ऑफ स्पेशल कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, so that has been changed. Subsection 10 में वो चीज चेंज हो गई है. एंड लास्टली सबसेक्शन 14 के बाद एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ है, दैट इज 14A. दैट इज 14A. यहां पे सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को कुछ पावर्स दी हैं, अपने आप को कुछ पावर्स कन्फर की गई हैं. जैसे क्या होता है, कभी भी अगर कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, किसी भी पर्सन को कुछ ट्रांसफर किया, कंपनी ने, ये कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर को कोई भी एसेट ट्रांसफर किया. ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरा का पूरा फ्रॉड इन्वॉल्व है. That means this should not have happened. होता है ना ऐसे, कंपनी का ही डायरेक्टर है, कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टर्स ही तो काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी से कुछ अपने लिए एसेट ले लिया और उसमें वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से लिया है और उसकी वजह से डायरेक्टर को फायदा हुआ है. उसकी वजह से डायरेक्टर को फायदा हुआ है. वी आर कीपिंग इट वेरी शॉर्ट बिकॉज ये अमेंडमेंट क्लास है. ठीक है, तो उसकी वजह से डायरेक्टर को फायदा हुआ है. अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू बाय इंसर्शन ऑफ अ न्यू सबसेक्शन खुद को पावर्स कन्फर कर दी गई हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हमें लगता है तो हम क्या कर सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ट्रिब्यूनल को टू टेक एक्शन. ठीक है, टू डील विद दिस, लेट्स रीड इट व्हाट्स गिवन. Whether report under subsection 11 or subsection 12 states that fraud has taken place. जो पूरा का पूरा investigation हुआ, investigation के बाद आपकी जो report तैयार हुई, report मतलब subsection 11 में एक interim report जाती है और subsection 12 में आपकी जो investigation report जाती है. We are talking about investigation by SFIO only. तो SFIO ने जो आपको interim report central government को submit की या फिर जो final report central government को submit की, ये report submit करने के बाद central government को ऐसा लगा कि कोई fraud हुई है. And Due to such fraud, कोई भी director, कोई key managerial person या कोई officer of the company has taken undue advantage of this particular benefit in the form of any asset,
और प्रॉपर्टी और कैश इन एनी अदर मैनर, कंपनी की कोई भी एसेट प्रॉपर्टी या कैश का आपने बेनिफिट लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट ऑफ एसेट प्रॉपर्टी और कैश. ठीक है, यही जो आपको फायदा हुआ है विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट, दैट इज दैट अनफेयर गेन, अनफेयर एडवांटेज दैट अ डायरेक्टर हैज गॉट, या कोई भी की मैनेजरियल पर्सनली ऑफिसर हैज गॉट, तो उनके रिस्पेक्ट में, उनके रिगार्ड में कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स एज द ट्रिब्यूनल मे थिंक फिट, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ द पावर्स टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर द सेम. इज दैट क्लियर? सो अगेन, इस पर्टिकुलर अगर हम चैप्टर की बात करें तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अगर एसएफआईयू ने अरेस्ट किया तो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको प्रेजेंट करना होता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको प्रेजेंट करना होता है, किसके सामने प्रेजेंट करना होता है, सो दैट देयर कैन बी अ क्वेश्चन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी एंड स्पेशल कोर्ट. सो आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है बिकॉज स्पेशल कोर्ट हैज बीन इंसर्टेड थ्रू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट. अगर हम और उनकी बात करें तो और कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, ये लास्ट का आपका अमेंडमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपसे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन की तरह भी पूछ सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूली अपने आप को ये पावर्स कन्फर की गई है. ठीक है, सो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है और इंटरिम रिपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि कोई फ्रॉड हैज टेकन प्लेस एंड किसी डायरेक्टर को कुछ फायदा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, वट कैन सेंट्रल गवर्नमेंट डू, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर डिसगॉर्जमेंट. राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. अगला चैप्टर है हमारा कॉम्प्रोमाइजेस का, कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस. इसमें आपका पूरा का पूरा इशू है एक अपॉइंटेड डेट का. अपॉइंटेड डेट क्या होती है? कॉम्प्रोमाइजेस के चैप्टर की हम बात कर रहे हैं. कॉम्प्रोमाइजेस के चैप्टर में अपॉइंटेड डेट का मतलब क्या होता था? जिस दिन हमारी जो स्कीम है वो इफेक्टिव हुई है. राइट, जिस दिन हमारी डेट सॉरी हमारी स्कीम इफेक्टिव हुई है, दैट इज नोन एज द अपॉइंटेड डेट. अब अपॉइंटेड डेट में बहुत सारे कंफ्यूजन थे. एक केस लॉज थे, केस लॉज में कहा जा रहा था कि अपॉइंटेड डेट जो होनी चाहिए दैट कैन नॉट बी रिलेटेड टू एनी इवेंट, वो कैसी होनी चाहिए, हमारी कोई कैलेंडर डेट होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें. मतलब किस दिन से आपकी ये स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी? कॉम्प्रोमाइजेस की एक स्कीम बनाई गई, वो आप फाइल करते हो रजिस्ट्रार के पास, अप्रूव होती है, देयर इज अ होल प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. राइट, है ना? तो जो हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कब हम मानेंगे कि हाँ ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया, दैट इज द क्वेश्चन. क्या ये अप्रूव हो गया तो स्टार्ट हुआ, क्या हमने फाइल कर दिया तो स्टार्ट हुआ, क्या फाइल करने के बाद स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, व्हाट इज दैट इफेक्टिव डेट जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे और हम मानेंगे कि हाँ अब हमारा ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं. सो यहाँ अपॉइंटेड डेट का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा अंधेरे में था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था अपॉइंटेड डेट का. तो इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया. अ क्लैरिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय एमसीए ऑन 21st ऑगस्ट 2019 रिगार्डिंग सेक्शन 232 सबसेक्शन 6. सबसेक्शन 6 आपको क्या बोलता था? इफेक्टिव स्कीम क्लियरली इंडिकेट करेगी एन अपॉइंटेड डेट फ्रॉम व्हिच इट शैल बी इफेक्टेड. ठीक है, scheme shall clearly indicate an appointed date from which it shall be effected and the scheme shall be deemed to be effected from such date and not any date subsequent to any appointed date. So the question here is what is an appointed date? So iske liye kuch clarification issue kiya gaya hai, is pe aapse question pucha ja sakta hai ki appointed date hai, logon ka question hai ki this cannot be an appointed date ya this can be an appointed date, aapko kya lagta hai? What provisions do we need to keep in mind with regard to the appointed date? तो आप बताएंगे कि एक clarification है. See, जब भी हमारे amendments आते हैं ना, they are more relevant for that particular attempt.
हो सकता है अगले के अगले अटेम्प्ट की जब हम बात करें तो इतना ज्यादा हम डिस्कशन ही ना करें अपॉइंटेड डेट पे. जब हम अपॉइंटेड डेट पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में आपको चारों पॉइंट्स बता देते हैं, बट इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता है. बट राइट नाउ इट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, रिसेंटली क्लैरिफिकेशन आया. सो फॉर अपकमिंग 1-2 अटेम्प्ट ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. उसके बाद भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं है, बट हाँ तब क्या होता है सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, तो सब चीजों को एक ही टाइप की वेटेज मिल जाती है. सो लेट्स रीड कि क्या क्लैरिफिकेशन हमें मिला है. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232(6) ऑफ द एक्ट इनेबल्स द कंपनीज इन क्वेश्चन टू चूज एंड स्टेट इन द स्कीम एन अपॉइंटेड डेट. राइट, दैट इज क्लियर. दिस डेट मे बी अ स्पेसिफिक कैलेंडर डेट. आपने बोल दिया 14th March 2019, सो दैट इज द अपॉइंटेड डेट, मतलब उस दिन से आपकी स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी. यू कैन से दैट, और इट कैन ऑल्सो बी टाइड टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट. मतलब आपने बोला जिस दिन इस पर्टिकुलर चीज का लाइसेंस मिल जाएगा, या जिस दिन ये अप्रूवल हो जाएगा, जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, उस दिन से हमारी क्या हो जाएगी, स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी. सो दैट पर्टिकुलर डेट ऑफ गेटिंग दैट अप्रूवल इज दैट अपॉइंटेड डेट. मतलब हमने स्पेसिफाई नहीं किया, हमने नहीं बोला 14th मार्च होगी या 1st जनवरी होगी या 31st दिसंबर होगी, हमने बोला जब अप्रूवल मिल जाएगा, जिस दिन का अप्रूवल हुआ वो दिन क्या होगा, हमारी अपॉइंटेड डेट होगी. सो ये क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है कि ऐसा भी हो सकता है. कोर्ट में आप इसके ऊपर जाके केस नहीं अब लड़ेंगे कि हमारी उन्होंने अपॉइंटेड डेट कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. इट कैन बी टाइड टू एन इवेंट ऑल्सो, ओके, या फिर बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी बाय द पार्टीज और मीटिंग ऑफ एनी रिक्वायरमेंट एज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज विच आर रेलेवेंट टू द स्कीम. हमने बोला जब हमने क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स मिलेंगे और ये अप्रूव कर देंगे तो हो जाएगा. सो एनीथिंग, ऐसी भी आपकी कोई अपॉइंटेड डेट हो सकती है, दैट हैज बीन ओनली क्लैरिफाइड. ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, कोई प्रोविजन नहीं है. जो आप अपॉइंटेड डेट आइडेंटिफाई करोगे वही आपकी एक्विजिशन डेट भी होगी. इन डेज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस व्हेन देयर इज गोइंग टू बी अ मर्जर, ठीक है, तो जो डेट ऑफ एक्विजिशन होती है कि दिस पर्टिकुलर डेट, इस दिन हमने एक्वायर कर लिया है इनको और अकॉर्डिंगली हम एएस के साथ कंप्लाई करेंगे, हम स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट. सो वहां पे भी डेट का रेलेवेंस बहुत ज्यादा होती है. सो जो आपकी अपॉइंटेड डेट होगी उसी को इस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दैट एनडीएस बिजनेस कॉम्बिनेशंस, आप एक्विजिशन डेट को, जो अपॉइंटेड डेट है उसी को एक्विजिशन डेट भी मानेंगे. दैट इज द सेकंड क्लैरिफिकेशन. तीसरी बात आपसे बोली गई है कि अगर आप कभी भी एक कैलेंडर डेट को चूज करते हो तो इट कैन ऑल्सो प्रोसीड द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द स्कीम ऑफ मर्जर और अमालगमेशन टू एनसीएलटी. मतलब आपने अभी फाइल भी नहीं किया, उसके पहले की भी आपकी कोई डेट हो सकती है अपॉइंटेड डेट, अगर आपका कोई कैलेंडर डेट है तो. पर हाउएवर इफ द अपॉइंटेड डेट इज सिग्निफिकेंटली एंटीडेटेड बियॉन्ड अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. आपने फाइल कर दिया है, आप स्कीम फाइल करते हो टू एनसीएलटी, ठीक है, तो आपने फाइल कर दिया और आपकी जो स्कीम में डेट लिखी हुई है, दैट इज अ कैलेंडर डेट इज स्पेसिफाइड कि ये हमारी अपॉइंटेड डेट होगी और वो आज से 1.5 साल बाद की है, दैट इज 1.5 years बाद की है, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई इज इट टेकिंग यू सो लॉन्ग. सो आपका क्या रीजन है, दैट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट आउट इन द स्कीम एंड दैट शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है. And lastly, the scheme may identify the appointed date based on the occurrence of a trigger event, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, which is the key to proposed scheme. And ये जो event है ये भी आपको indicate करना पड़ेगा कि जैसे ही ये event हो जाएगा this particular scheme will become effective. और अगर ये आपका जो event है, ये जो आपका इवेंट बेस्ड डेट है, इट इज अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार, द कंपनी शैल फाइल एन इंटीमेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ सच स्कीम कमिंग इनटू फोर्स. मतलब आपने रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर दिया अपना ऑर्डर और उसके बाद
तब तक वो इवेंट हुआ ही नहीं है, जो इवेंट होने से आपकी अपॉइंटेड डेट असाइन होगी, तो अभी तक वो इवेंट हुआ ही नहीं है, तो जैसे ही वो इवेंट हो जाएगा दैट मीन्स इट बिकम्स द अपॉइंटेड डेट, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को एक इंटीमेशन देंगे, यस नाउ आवर स्कीम इज इफेक्टिव. इज दैट क्लियर? अब देखो मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर दूं, अगर आपको ये सब पता नहीं है ना, आपको समझ नहीं आ रहा मैम क्या स्कीम बोल रही हैं एंड व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रार को, एनसीएलटी को, तो आप अमेंडमेंट अभी मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, पहले सेक्शन पढ़ो और उसके बाद अमेंडमेंट पढ़ो, बिकॉज क्लियरली हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं. एंड अगर आप सोचो कि यहाँ पे एक सेट ऑफ रिविजन भी हो जाए विद अमेंडमेंट्स, रिविजन इज अ सेपरेट पार्ट. ठीक है, सो अगर कोई भी कंफ्यूजन, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू पॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो. आप क्या करो, आप पहले जाओ और उसके बाद पूरा सेक्शन रीड करो, और सेक्शन रीड करने के बाद आप फिर से अमेंडमेंट पढ़िए, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, सेक्शन 241, सेक्शन 242, सेक्शन 243, और आप कह सकते हो कुछ अच्छा खासा अमेंडमेंट है. सेक्शन 241 की पहले हम बात करते हैं, जो स्टार्टिंग में आपको दिया है दैट इज इरेलेवेंट, उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज आफ्टर सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग सबसेक्शंस शैल बी इंसर्टेड नेमली. अगर हम पहले बात करें तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे सेक्शन में सबसेक्शन 2 हमें क्या बोलता था कि देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऑपरेशन हो रहा होता है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो किसको, ट्रिब्यूनल को, फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दैट ऑपरेशन. ठीक है, सो कौन कंप्लेन कर सकता है या कौन एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ अ कंपनी जो कि कंप्लेन करता है कि जो अफेयर्स हैं कंपनी के वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो रहे, इसके साथ साथ वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते थे. ठीक है, उनका पूरा अपना दे हैव अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244. नाउ अगली हम बात करें तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स की बात करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती थी, बट ओनली ऑन द ग्राउंड्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर व्हिच इज डेट्रिमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट. सो एक मेंबर की बात आप छोड़ दीजिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर थी ट्रिब्यूनल को अप्लाई करने की फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. अगर उनको लगता है दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर डेट्रिमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, तभी वो ऐसा कर सकते थे. इसी के साथ एक सबसेक्शन और इंट्रोड्यूस किया गया जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को बढ़ाया गया है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जब कोई भी पर्सन है हु इज कंसर्न्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स और इज और हैज बीन इन कनेक्शन देयर विद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट हिज ऑब्लिगेशंस. समझ में आया? तो परव्यू बढ़ा हमारा. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जो कि कंपनी चला रहा है, सपोजिटली कोई डायरेक्टर है, मिस्टर ए एक डायरेक्टर है जो कि उस कंपनी को चला रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये डायरेक्टर जो है ये फ्रॉड में इन्वॉल्व है और ही इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज प्रॉपरली. सो ऐसे सर्कमस्टांसेस भी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन. इट नेसेसरली नीड नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल. ओके, सो वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग दैट, पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. दूसरा पॉइंट दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज is not or has not been conducted and managed by such person in accordance with sound business principles. Such person matlab jo bhi person hai concerned with the management of affairs of the company or jo guilty hai of fraud, theek hai, ya usne default kiya hai.
A company is or has been conducted and managed by such person in a manner which is likely to cause serious injury to the interest of trade. So, पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, गिल्टी ऑफ फ्रॉड. दूसरा पॉइंट हो गया साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स आप नहीं फॉलो कर रहे हो. तीसरा पॉइंट हो गया कि आपके अफेयर्स इस तरीके से हैं जिससे ट्रेड या इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में नहीं है. और आपका चौथा पॉइंट हो गया कि आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड योर क्रेडिटर्स या फिर कोई और पर्सन या फिर इन मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट विच इज रिटन बिफोर ऑल्सो इन सबसेक्शन टू ऑल्सो. ठीक है, तो ये अगर आपके चारों ग्राउंड्स हैं तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैन इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सच पर्सन. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर आ गई, कैन इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सच पर्सन. वो डायरेक्टर हो, वो कोई केएमपी हो, कोई भी पर्सन हो हु इज कंसर्न्ड विद द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. और वो क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को सेम चीज रेफर कर देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे ट्रिब्यूनल को कि यू इंक्वायर इनटू अ केस, यू रिकॉर्ड योर डिसीजन एंड आप देखिए कि क्या ये पर्सन एक्चुअली फिट है टू होल्ड दिस पर्टिकुलर पोजिशन एंड कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी या नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को पावर्स कन्फर की कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है हु इज इन्वॉल्वड इन द कंडक्ट और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इज इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं विच इज लाइकली टू कॉज लाइक और इज डेट्रीमेंटल टू द इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या फिर विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन. तो ये चार ग्राउंड्स दिए हुए हैं. ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक केस बना सकता है और ट्रिब्यूनल को रेफर करेगा कि आप इंक्वायर कीजिए कि क्या ये पर्सन मिस्टर एक्स वाई जेड, क्या ये पर्सन फिट है, क्या दैट पर्टिकुलर पर्सन इज प्रॉपर इनाफ, फिट इनाफ टू बी अ डायरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड कैरी ऑन द कंपनी. ठीक है, बिकॉज ये पूरी की क्या हो गई, मैनर तो ऑप्रेसिव ही है. अब द पर्सन अगेंस्ट होम अ केस इज रेफर्ड टू द ट्रिब्यूनल शैल बी ज्वाइंट एज अ रिस्पॉन्डेंट टू द एप्लीकेशन. तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड तो करेगा ही करेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन दे रही है उसका रिस्पॉन्डेंट एक कौन होगा, वो पर्सन भी होगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन विल ओनली रिप्लाई इन हिज फेवर, राइट. वो खुद ही रिप्लाई करेगा ना कि ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है. एंड हर एप्लीकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ट्रिब्यूनल को इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट, उसमें एक कंसाइज स्टेटमेंट होगी, मतलब ब्रीफली एक स्टेटमेंट होगी कि क्या सर्कमस्टांसेस एंड मटेरियल्स है एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मटीरियल है या फिर सर्कमस्टांसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिसको देख के सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा, वो भी आप सबमिट करोगे उसकी एक ब्रीफ स्टेटमेंट एंड इट इज गोइंग टू बी साइंड एंड वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू सीपीसी, दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, वेरीफाई होगा. इज दैट क्लियर. सेक्शन 241 जो कि बात करता है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देने की फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को बढ़ाया है और बोला है कि अगर हमें किसी भी पर्सन के लिए ऐसा लगेगा, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करेंगे और हमें लगेगा कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है हु इज इन्वॉल्वड इन फ्रॉड और ये चीज़ें हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस पर्टिकुलर पर्सन पर एक केस बना के ट्रिब्यूनल को रेफर कर देंगे और ट्रिब्यूनल उन पर इंक्वायरी करेंगे और बताएंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फिट और प्रॉपर और नॉट. अब सोचिए अगर यहां पे ये सारी बातें आई हैं कि ट्रिब्यूनल को बताना है वेदर मिस्टर एक्स वाई जेड इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू कंटिन्यू दिस और नॉट, तो कहीं ना कहीं इसके कंसिक्वेंसेस भी तो होंगे. व्हाट इफ ही इज नॉट फिट, तब क्या किया जाएगा. अगर वो फिट है, अगर वो फिट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड व्हाट इफ ही इज नॉट फिट, तो इसके कहीं ना कहीं कंसिक्वेंसेस होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई और सेक्शन में भी तो अमेंडमेंट होना चाहिए. सेक्शन 241 का अमेंडमेंट क्लियर हो गया ना, तो आते हैं सेक्शन 242 पे. सेक्शन 241 में क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स आ गई, उसके बाद हमने देखा कि वो भी रिस्पॉन्डेंट हो जाएंगे और तीसरा हमने ये देखा कि आपको एप्लीकेशन के साथ दो चीजें और लगानी होगी, दैट इज द कंसाइज स्टेटमेंट एंड इज गोइंग टू बी वेरीफाइड एंड साइंड अकॉर्डिंग टू सीपीसी. Is that clear? Next amendment है हमारा section 242 का. उसमें क्या लिखा हुआ है,
एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ है एट द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग ऑफ द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 241, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन पे केस बनाया और ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया था, उसकी जब हियरिंग हो जाएगी तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, विल रिकॉर्ड इट्स डिसीजन स्टेटिंग स्पेसिफिकली क्या ये पर्सन फिट है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिस जो भी उससे कनेक्टेड है या नहीं है. सो सेक्शन 242 के अंदर जिसमें वहां पे हमें क्या करना है, ट्रिब्यूनल को रिकॉर्ड करना है. एंड देयर इज आल्सो एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 243. सेक्शन 243 उसमें भी नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ है और उसमें बोला गया है द पर्सन हु इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन पर्सुएंट टू सबसेक्शन 4A ऑफ सेक्शन 242 ही शैल नॉट होल्ड ऑफिस of a director or any other office connected with the conduct or management of affairs of the company for a period of any company, mark my words, of any company for a period of 5 years from the date of said decision. Section 241 mein central government ke paas powers aayi, powers if circumstances exist, चार पॉइंट दिए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, दे कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर इंक्वायरी ऑन सच पर्सन. उस पर्सन पे इंक्वायरी करेंगे, ये एप्लीकेशन के साथ आपके अटैचमेंट होगा. अटैचमेंट क्या होगा, एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ दैट मटीरियल दैट यू हैव, plus it is going to be verified and signed according to CPC. Is that clear? अब ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया, ट्रिब्यूनल ने पूरी की पूरी इंक्वायरी की और उसके बाद अपना ये डिसीजन, डिसीजन कौन सा, whether fit or not, इस डिसीजन को रिकॉर्ड किया अंडर सेक्शन 242. ठीक है, अब इफ नॉट फिट तो बैंड फॉर 5 years फ्रॉम एनी कंपनी, किसी भी कंपनी की अब आप कंडक्ट या मैनेजरियल पोजिशन नहीं ऑप्टेन कर सकते हो. नाउ दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 243. तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई. वैसे तो 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया गया है, पर फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ट्रिब्यूनल की परमिशन के साथ उस पर्सन को बोल सकती है कि चलो 4 साल के लिए ही तुमको किया गया. ठीक है, सो परमिशन दे सकती है कि चलो नाउ यू कैन होल्ड ऑफिस इन 4 years इन 3 years अगर ऐसा उनको ठीक लगे तो. और इसके अलावा एक बात और, notwithstanding anything contained in any other provision of this act or any other law for the time being in force or any contract, memorandum or articles on the removal of a person from the office of a director or any other office, that person shall not be entitled to any compensation for the loss of termination of office. मतलब यहाँ से आपको निकाल दिया गया, आपका contract था 5 साल का, यहाँ पे inquiry हुई आपके ऊपर और आपको बताया गया कि you are not fit और आपको हटा दिया गया, तो आपको क्या compensation मिलेगा, बिल्कुल नहीं. एक तो आपने fraud किया और ऊपर से compensation भी चाहिए कि आपने हमारा contract तोड़ा है, हमने तो 5 साल के लिए appoint किया था, 2 साल में निकाल दिया, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई contract हो, कहीं law में लिखा हो, कहीं memorandum में लिखा हो, कहीं articles में लिखा हो, doesn't matter. Is that clear? चलिए, so I hope this is clear. चलिए हम मूव करते हैं आगे. अगला हमारा पॉइंट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. इफ यू वांट टू राइट दिस यू मे. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रूल्स, अच्छा इज देयर एनीथिंग एल्स.
पहले कुछ चीजें इसमें प्रिस्क्राइब नहीं थी, अब हो गई हैं, दैट्स इट। वंस यू आर डन, इसके साथ अगला अमेंडमेंट है हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रूल्स में। दिस बेसिकली रिलेट्स टू सेक्शन 245। सेक्शन 245 है आपका क्लास एक्शन का। सेक्शन 245 टॉक्स अबाउट क्लास एक्शन कि मिलके कब आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो ट्रिब्यूनल को। तो उसमें क्या है, आपको क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है। क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है मतलब मैम हमको कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप अपना सेक्शन 245 खोलेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जस्ट अ सेकेंड, आई विल रीड इट फॉर यू। सेक्शन 245 कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली, क्योंकि रूल्स में अमेंडमेंट है। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसका अगर आप सब सेक्शन 3 देखेंगे बेसिकली, तो वहां पे क्या दिया हुआ है आपको, द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है कि ये लोग मिलके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, दैट इज दे कैन ब्रिंग इन क्लास एक्शन सूट्स, राइट। अब इसमें क्या प्रिस्क्राइब्ड है, इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है 100 और सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और सच परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ डिपॉजिटर्स ऑल्सो एंड इन केस ऑफ मेंबर्स ऑल्सो, ऐसा लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड। नाउ दिस थिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स नाउ। सो अगर हम बात करें रूल 84 की, तो सब रूल 2 के बाद ये नया चीज इंसर्ट हुआ है एंड पहले ये प्रिस्क्राइब नहीं था, अब ये चीजें प्रिस्क्राइब हो गई। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास एक्शन। अब देखो बस क्या है, दिस इज नथिंग टेक्निकल, सिर्फ चीजें आपकी प्रिस्क्राइब हो गई हैं। सेक्शन में ये परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं था पहले, सो नाउ इट इज 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100, विच एवर इज लोअर, सो द लोअर ऑफ 2, या फिर और इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अगर 5% ऑफ या फिर मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ शेयर कैपिटल एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 2% ऑफ शेयर कैपिटल। इफ वी टॉक अबाउट डिपॉजिटर्स, इन केस ऑफ डिपॉजिटर्स ऑल्सो इट इज द सेम थिंग, दैट इज द 5% ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और 100, विच एवर इज लोअर, और 100, विच एवर इज लोअर, और the depositors to whom company owes at least 5%, to whom company owes at least 5% of total deposits. So I hope now it is clear. तो ये आपके रूल्स अमेंड हुए हैं और ये चीजें इसमें अप्लाई करेंगी। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन द चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा कहाँ है, वाइंडिंग अप के चैप्टर में इन सेक्शन 272।
सेक्शन 272। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज हट गई है, दैट इज क्लॉज ई जो है वो हट गया है। अब क्लॉज ई के हटने से इफेक्ट क्या हुआ है और क्लॉज ई था क्या मैम, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहले एक्सेप्शन आपके दो थे, क्लॉज ए एंड क्लॉज ई, अब एक्सेप्शन सिर्फ एक रह गया है। नाउ व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग मीन? वाइंडिंग अप का सेक्शन 272 जो कि बात करता है पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, दैट मींस हु कैन ब्रिंग इन द पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। अगर हम बात करें तो पिटिशन कौन कौन दे सकता है, कंपनी दे सकती है, द कंट्रीब्यूटरीज कैन ब्रिंग इन, रजिस्ट्रार दे सकता है, कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो। पर इसके साथ साथ कुछ एक और बात लिखी हुई थी, कुछ एक और बात क्या लिखी हुई थी रजिस्ट्रार के बारे में, सब सेक्शन 3। रजिस्ट्रार पिटिशन तब लेके आ सकता है, मतलब रजिस्ट्रार खुद भी पिटिशन फाइल कर सकता है। रजिस्ट्रार को लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का बंद हो जाना ही ठीक है, तो रजिस्ट्रार खुद पिटिशन सबमिट करेगा कि इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए, इसकी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू की जाए। रजिस्ट्रार किन ग्राउंड्स पे पिटिशन सबमिट कर सकता है, जो ग्राउंड्स 271 सेक्शन में स्पेसिफाइड है। सेक्शन 271 में स्पेसिफाइड है एक्सेप्ट क्लॉज ए एंड क्लॉज ई। पांच क्लॉजेस सेक्शन 271 में दिए हुए हैं जिस सिचुएशन में एक कंपनी को वाउंड अप किया जा सकता है। कौन से क्लॉजेस दिए हुए हैं आपको कि कंपनी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि हमें वाइंड अप कर दो और सब मेंबर्स एग्री हो गए, तो कंपनी ही ना पिटिशन देगी ट्रिब्यूनल को, रजिस्ट्रार थोड़ी ना देगा, या रजिस्ट्रार थोड़ी ना बोल सकता है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और मैं पिटिशन फाइल करूंगा कि कंपनी को बंद कर दो। नहीं, सो दैट इज नॉट अ ग्राउंड, दैट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर रजिस्ट्रार टू ब्रिंग इन दैट पिटिशन। तो पहला ग्राउंड तो ऐसे ही रूल आउट हो जाता है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ तो आप पिटिशन सबमिट कर सकते हो। अरे अगर स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास करेगी तो कंपनी ही पिटिशन सबमिट करेगी, रजिस्ट्रार थोड़ी ना करेगा। So registrar can bring in the petition for winding up on clauses specified under section 271 except clause A. और इस amendment के पहले except clause E भी हुआ करता था। Clause E है that tribunal is the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up. मतलब just and equitable ground. पर ये ground registrar के पास available नहीं था पहले। मतलब रजिस्ट्रार को अगर लगता था कि इंडिया की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काम हुआ है, या फिर कोई फ्रॉडुलेंट मैनर में काम हुआ है, या कोई फाइलिंग में डिफॉल्ट हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इन तीन ग्राउंड्स पे रजिस्ट्रार पिटिशन ला सकता था वाइंडिंग अप का। अब क्या किया, एक ग्राउंड को और ओपन कर दिया बाय रिमूविंग द क्लॉज ई। सो एक ग्राउंड को और ओपन कर दिया कि रजिस्ट्रार जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे भी पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है, टू The tribunal for winding up. Is that clear? So registrar की यहाँ पे powers enhance की गई हैं। देखो जो clause A है वो तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि company special resolution pass कर रही है, so that is not a valid ground for registrar. But अब बाकी सारे grounds पे registrar भी petition file कर सकता है for winding up. अगला है हमारा miscellaneous provisions के chapter में, that is निधि company, section 406. निधि कंपनी में काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, छोटे छोटे। क्या बोल सकते हो, चलिए देखते हैं, एक एक करके हम सारे अमेंडमेंट्स के साथ डील करेंगे ऑफ निधि कंपनीज। सबसे पहली बात जो हम लोगों के लिए लिखी हुई है वो ये लिखी है कि निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। पहले जो निधि कंपनीज का मीनिंग था ना, निधि का अगर हम मीनिंग समझें तो पूरा का पूरी चीज हमें एक्सप्लेन की गई थी कि थ्रिफ्ट होना चाहिए, सेविंग्स, ये वो सब चीजें बताई गई थी।
अब हमें क्या बता दिया गया कि निधि, पहले तो सिर्फ निधिज हुआ करती थी, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी नहीं थी. म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी यू कैन से प्रोस्पेक्टिव निधि कंपनीज, राइट, मतलब जिनका काम वही है, दे कैन बी, तो वो भी वही चीज कर रही हैं. सो उनको भी यहाँ पे हमने कर दिया इंक्लूड. पहले निधि कंपनी का मीनिंग एक्सप्लेन किया गया था, अब निधि कंपनी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट आर दोज कंपनीज विच आर डिक्लेयर्ड एज निधिज. मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन नोटिफिकेशन किसी भी निधि को या किसी भी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी को डिक्लेयर करेगी एज निधिज, और उनको हम निधिज बोलेंगे जिन पे ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे. ठीक है, सो सबसे पहला चेंज तो यही है कि इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर टू बी अ निधि और अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. सो अब क्या बात आ गई, डिक्लेरेशन की बात आ गई. दैट मीन्स अगर मैं भी एक निधि कंपनी हूं तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि आप मुझे डिक्लेयर करो एज अ निधि कंपनी. सो अब यहाँ पे डिक्लेरेशन की बात आ गई कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू डिक्लेयर देम एंड दे विल बी नोन एज अ निधि कंपनी. जैसे हम बोलते हैं ना कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट इज अ कंपनी, सो लाइक वाइज निधि डिक्लेयर्ड एज अ निधि इज अ निधि. इज दैट क्लियर? और इसके साथ साथ सारी जनरल बातें जो पहले भी हुआ करती थी, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले भी पावर्स थी, अब भी पावर्स हैं कि वो बोल सकते हैं कि इस पूरी एक्ट के कोई भी प्रोविजन निधि पे अप्लाई करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी पे अप्लाई नहीं करेंगे, या निधि पे अप्लाई नहीं करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी पे अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर निधि पे अप्लाई करेंगे बट सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू सर्टेन मोडिफिकेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल के बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू निधि कंपनी और विल अप्लाई टू निधि कंपनी सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन एज अंडर. ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन निधिज के रिस्पेक्ट में निकलेगा वो पहले दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, और अगर बोथ द हाउसेस एग्री इन डिसअप्रूविंग द इशू तो वो नहीं होगा. द नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड एंड और शैल बी इशूड इन सच मोडिफाइड फॉर्म एज इट इज एग्रीड. ओके, ये जो कॉपीज हैं ऑफ नोटिफिकेशन दे आर गोइंग टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सो ये सारी चीजें मैं आपसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड. ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये चीज पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी. अब यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका अमेंडमेंट है वो कहाँ है और किस रिस्पेक्ट में है आप वो समझिए. सो आफ्टर रूल 3 एक स्पेशल रूल इंसर्ट हुआ है, रूल 3A which is about declaration of nidhi. So, अगर आपकी कोई भी निधि कंपनी है, निधि है as of that matter, it will either be incorporated before these amendment rules, right? So before Nidhi amendment rules 2019, or it is going to be incorporated after, right? So if it is incorporated before, आपको क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी. ठीक है, एप्लीकेशन आप कब दोगे, विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम रूल्स. ठीक है, ये एप्लीकेशन आप दोगे इन NDH4. ये एप्लीकेशन आप किसको देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर देंगी, दे आर गोइंग टू डिक्लेयर यू एज निधि. और अगर आप इन रूल्स के आने के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हो तो यू आर गोइंग टू गिव एन एप्लीकेशन within
60 days from 1 year of incorporation or such extended time, अगर आपको कोई extension grant हुआ है तो अगेन आप ये एप्लीकेशन देते हो इन NDH-4 या आप एप्लीकेशन देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिक्लेयर कर देती हैं एज निधि. ठीक है, ये डिक्लेरेशन होता है इन ऑफिशियल गैजेट. एंड इफ देयर इज एनी नॉन कंप्लायंस देन यू कैन नॉट फाइल, कांट फाइल SH-7 एंड PAS-3 रिलेटेड टू अलॉटमेंट. सो मैंने ये सम अप कर दिया है आपके जो पूरी के पूरे रूल्स लिखे हुए हैं इन दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, कि अगर कोई निधि कंपनी है इन अमेंडमेंट रूल्स के आने से पहले वो कंपनी बनी हुई थी, तो जैसे ही ये रूल्स आए उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, या फिर विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आप जस्ट 1 महीने पहले ही बने थे तो आपके पास उतना 1 साल का टाइम है, क्योंकि 1 साल का टाइम नई निधि कंपनीज को भी मिलता है. सो आपके पास 1 साल का पूरा पूरा टाइम है, 1 साल का पूरा पूरा टाइम है. अगर आप 4 साल पुराने हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम है. ठीक है, डू यू गेट दैट? सो 6 महीने का एक्चुअली ट्रांजिशन फेज आपको दिया हुआ है, बट अगर आप एक अभी अभी बने हो तो 1 साल का टाइम तो नॉर्मल निधि कंपनीज को भी मिलता है, नई निधि कंपनीज को भी. सो यू हैव टू सेंड एन एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन 6 मंथ्स ऑफ रूल, विच एवर इज अर्लियर इन द फॉर्म NDH-4. You have to give it to central government and they are going to declare you as nidhi companies. अगर आप इन amendment rules के बाद incorporate हुए हो तो आपके पास application देने का कितना time period है? आपका 1 साल खत्म हो जाए incorporation का उसके 60 days के अंदर अंदर, या फिर आपको जो extended time मिला है उसके 60 days के अंदर अंदर आप दे सकते हो NDH-4 में central government को, वो आपको declare कर देते हैं as nidhi in official gazette. अगर आप इन rules को comply नहीं करते हो then you cannot file SH-7 and PAS-3. That means return of allotment and alteration of capital की जो notice जाती है वो दोनों forms आप file नहीं कर सकते हो if you do not comply with these rules. Apart from this, एक और amendment है, निधि companies जो हैं वो calls accept नहीं कर सकती हैं. That means they can issue only fully paid up shares. Calls नहीं, no first call, second call, final call, third call, ये सब नहीं. They can only issue fully paid up shares. निधि companies can issue only fully paid up shares. Is that clear? So major जितनी भी बातें हैं वो सब मैंने आपको बता दी हैं. इसके अलावा क्या है, छोटी छोटी बातें दी हुई हैं, जैसे रूल 4 में टू बी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ, तो जो आपका चेंज आया उसकी वजह से जहां जहां वर्ड्स हैव टू बी चेंज्ड वहां वहां क्या हुए हैं, आपके वर्ड्स चेंज हुए हैं. So there is no major amendment as such. जहां पे regional director था वहां पे अब central government आ गया है. जैसे पहले power अगर हम बात करें तो regional director के पास हुआ करती थी, now the powers are with central government. आप देखोगे इसमें जितने भी amendments आज हम discuss कर रहे हैं, major amendments क्या है, central government ने खुद को कुछ powers confer की गई हैं. So यहाँ पे भी क्या है, central government has taken back those powers, right? So central government now wants कि सब चीज हमारे हाथ में हो, तो वो powers वापस ली गई हैं. ठीक है, सो आई होप इट इज ऑल क्लियर. सो निधि कंपनीज में ये आपका मेजर अमेंडमेंट है, एंड द अमेंडमेंट इज दैट नाउ निधि कंपनीज का मीनिंग चेंज हो गया है, एंड म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ निधिज. ओके, वंस दे डिक्लेयर एज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. ओके, सो दैट इज वॉट is the major change all about nidhi companies. इसके बाद इसके साथ हमारा part 1 का जो जैसे corporate laws का जो amendment है वो यहीं पे end होता है.
Now we'll start with part two, that is the amendments of economic laws. सबसे पहला अमेंडमेंट जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है चैप्टर ऑफ फीमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999. अब देखो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आ गया है. क्लासिफिकेशन मतलब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं और नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं. आपको मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ. अगर हम सेक्शन सिक्स की बात कर रहे हैं, सेक्शन सिक्स ऑफ फेमा, तो इसमें क्या हुआ करता था, सर्टन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की हम बात करते थे, राइट. इसमें जो कंट्रोल होता था ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, उसमें रिजर्व बैंक के पास पावर्स थी, आरबीआई के पास पावर्स थी कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल हैं या किन पे आपको लिमिट इम्पोज करनी है और कितनी, राइट. ये चीजें पहले हुआ करती थी. अगर हम आज के एमेंडेड सेक्शन का सिनेरियो देखें तो ये जो पावर्स है ना, दे हैव बीन स्प्लिट इनटू टू पावर्स, द पावर्स ऑफ आरबीआई एंड द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी एंड सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, दे हैव डिफरेंट पावर्स टू स्पेसिफाई कि कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल हैं और किस पे कितनी लिमिट है, द सेम थिंग. तो मैम इसमें क्या अंतर हो गया, इसमें क्या चेंज आया? आप बोल रहे हो पहले आरबीआई के पास पावर्स थी, अब दोनों के पास पावर्स है, राइट. आपने बस इतनी सी बात हमको बताई, दोनों के पास पावर्स है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. आरबीआई के पास पावर्स है फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सीजी के पास पावर है फॉर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स. डू गेट मी? अब सवाल ये उठता है कि ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, राइट. सो व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, एक नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया है, डिटरमाइन किया है कि किन इंस्ट्रूमेंट्स को आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलोगे और किन इंस्ट्रूमेंट्स को आप नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स बोलोगे. सो देयर इज अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट. अगर हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, आपके जो बॉन्ड्स हैं, द कवर्ड अंडर बीट गवर्नमेंट बॉन्ड्स बीट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, द कवर्ड अंडर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रांचेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर्स, मतलब जितनी आप सिक्योरिटीज वगैरह वो करते हो सबके सब क्या हो गए, विच आर नॉट इक्विटी अदर देन इक्विटी, ठीक है. जितनी आपकी बोरोइंग्स होती हैं थ्रू लोन्स वो सारे के सारे डेप्ट हो गए, जितनी आपकी डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं वो सारे के सारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. नाउ डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑल्सो हैव अ क्लासिफिकेशन. जब आप डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करते हो, आपने जो पैसा कलेक्ट किया है वो आप इन्वेस्ट करते हो, राइट. इट इज इन्वेस्टेड थ्रू QIBs. इन्वेस्ट आप करते हो, आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप डेप्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. सो व्हेन द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज द डेप्ट सिक्योरिटीज, वो आपकी डिपॉजिटरी रिसीट भी एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होगी. और जब आपकी अंडरलाइंग सिक्योरिटी इक्विटी है तो आपकी डिपॉजिटरी रिसीट इक्विटी हो जाती है. आई होप यू आर गेटिंग द होल स्ट्रक्चर. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमें पता है बहुत अच्छे से, राइट. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो कि हाँ ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ये परमिसिबल है ये नहीं है. तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाता था. उनको दे वर कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट. सो वो आपको क्लासिफाई करते थे कि ये परमिसिबल है. अब हमने बोला कि क्लासिफिकेशन हो गया है, तो ये जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स अभी अभी मैंने आपको बताए, ये कहाँ पे आ गया? आरबीआई के पावर्स के अंदर आ गया. और जो नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब समहाउ दे आर इन्वॉल्व, दे हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इक्विटी. आप पैसा लगा रहे हो किसी भी फर्म की इक्विटी में, किसी भी कंपनी की इक्विटी में आप पैसा लगा रहे हो, एलएलपी में, ठीक है,
एफडीआई में देन इन्वेस्टमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, एनी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट एंड द डिपॉजिटरी रिसीट्स जिसकी क्या अंडरलाइन सिक्योरिटीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स. अब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, ये ना तो आपको आरटीपी में मिल रहा है और ना आपको जरूरत है इसको समझने की या याद रखने की. आपको आरटीपी में या फिर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया हो इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, दैट्स इट. ये मैंने आपको बताया है सिर्फ आपका वो फ्रेमवर्क, आपका थोड़ा सा माइंड को खोलने के लिए कि हाँ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, ठीक है, सो दैट यू आर क्लियर कि हाँ ये क्या है, व्हाई इट इज सो. सो नाउ द पावर्स हैव बीन स्प्लिट इनटू टू वेज, ठीक है. सो रिजर्व बैंक इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर परमिसिबल. लिमिट बता सकते हैं इसमें फॉर सच ट्रांजैक्शंस और उसके उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई कंडीशंस भी इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है. Likewise, central government also has the power in consultation with RBI. They can specify or they can prescribe any class of capital account transactions not involving debt instruments. ठीक है, so non-debt instruments आप बोल सकते हो, which are permissible. उनके ऊपर कितनी limit है, उनके ऊपर क्या conditions हैं. Is that clear? So यहाँ पे ये classification आपका आ गया. That's it with FEMA. इसके बाद आपके आरटीपी में दिया हुआ है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के अमेंडमेंट्स. नाउ दिस इज अ न्यू टॉपिक दैट हैज बीन इंसर्टेड, राइट. सो इसका हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे. दिस वी आर नॉट गोइंग टू, दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट क्लास. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट्स, दैट इज हमारा अगला चैप्टर. अगला हमारा चैप्टर का अमेंडमेंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, PMLA, राइट. अमेंडमेंट इन सेक्शन 8, राइट, फाइनेंस एक्ट 2019. Amendment in Section 8. Section 8 आपका कौन सा amendment हुआ करता था? Section 8 of PMLA, it talks all about adjudication, right? जो उसमें हम जज करते हैं, अगर हमें कोई कंप्लेन मिलती है तो उसके बाद क्या करती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखती है रिप्लाई, क्या आपने दिया है, सब चीज कंसिडर करती है और देखती है कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट. अगर वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है तो क्या करते हैं, उसका फर्दर अटैचमेंट कर देते हैं, राइट. ये पूरा आपका प्रोसेस हुआ करता था. अब यहाँ पे अमेंडमेंट किस चीज का है, जरा ये देखना है हमें. अमेंडमेंट हमको बोल रहा है कि The period has been slightly changed. जब adjudicating authority ये decide करती है कि कोई property involved है money laundering में, तो वो क्या करते हैं, by order confirm कर देते हैं that attachment of the property या retention of property या record seized or frozen etc. etc. And whereupon such attachment or retention or freezing of the seized or frozen property or record shall continue during investigation for a period not exceeding 365 days. This has been changed. ये यहाँ पे चेंज हुआ है. पहले क्या हुआ करता था, सिंपली इतना लिखा था continue during the pendency of proceedings, ठीक है, वो मतलब continue होगा, ठीक है. आपकी जो अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2018 आई थी ना, उसकी वजह से एक अमेंडमेंट हुआ था कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज. मार्क माय वर्ड्स, यहां पे क्या हो गया है, नॉट एक्सीडिंग 365 डेज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एमसीक्यूज. तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 365 डेज.
कुछ कुछ और इसमें अमेंडमेंट नहीं है, और बस आपका ये टाइम लिमिट जो पहले 90 डेज हुआ करता था कि 90 डेज से ज्यादा आपका ये नहीं होना चाहिए, अब क्या हो गया है 365 डेज. मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अटैच की है, आपने कोई रिकॉर्ड फ्रीज किया है, सीज किया है, तो वो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड नॉट, मतलब आपका जो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है वो 365 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. उतने टाइम पीरियड तक आप अपने रिकॉर्ड को सीज करके रख सकते हो, या फिर जब तक आपकी पेंडेंसी चल रही है तब तक. ठीक है, सो पहले ये टाइम लिमिट था 90 डेज का, अब क्या हो गया 365 डेज का. सो नथिंग एज सच मेजर अमेंडमेंट, कुछ भी नहीं है, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इसके बाद है एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 11A. इसी चैप्टर में, आपके पीएमएलए की ही चैप्टर में एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में बात करता है. रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब कौन हुआ करती थी? रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब कोई भी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एक सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन 12 ऑफ पीएमएलए. उसमें क्या था, कोई भी अगर बैंकिंग कंपनी है, सपोजिटली हम बैंकिंग कंपनी, तो मुझे क्या करना होता है, अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है, राइट? मुझे एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी, आई बिकम द रिपोर्टिंग एंटिटी, और उसके बाद मुझे वो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, राइट? जो मुझे बोले जाए, सपोजिटली प्रिस्क्राइब्ड है कि इस लिमिट के ऊपर अगर कोई भी फॉरेन होता है तो आपको रिपोर्ट करना है, तो मुझे वो रिपोर्ट करना होता है ताकि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट ट्रेस कर पाए, बिकॉज दैट इज द बैंकिंग चैनल. बैंकिंग चैनल होता है ना जिससे सारे ट्रांजेक्शन रूट होते हैं. सो दैट वॉज द होल इंटेंशन, उसके लिए वो बनाया गया था. अब हमने ये जरूर बोला था कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी को वेरीफाई करना होता है द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये लिखा हुआ था सेक्शन 12 में. इसको हटा दिया गया, इसको बोला एज मे बी प्रिस्क्राइब, नहीं हम प्रिस्क्राइब करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट एनी रूल्स, हम एक नया सेक्शन डाल देंगे. सो ये पूरा ओमिट हो गया और एक नया सेक्शन आ गया. नया सेक्शन क्या आया, वहां पे लिखा हुआ है द मैनर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, और वहां पे लिखा हुआ है कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटी और उनके बेनिफिशियल ओनर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है. कैसे वेरीफाई करना है, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट उसका आंसर भी दिया हुआ है हमको. सो एक नया सेक्शन पीएमएलए में इंसर्ट हुआ है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, 11A. तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाउ रिपोर्टिंग एंटिटी इज गोइंग टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स या बेनिफिशियल ओनर. आपका पूरा का पूरा एक केस स्टडी हो सकता है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो कैसे करना है जरा देखते हैं. सबसे पहला हमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑथेंटिकेशन अंडर आधार. अगर रिपोर्टिंग एंटिटी एक बैंकिंग कंपनी है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, कोई इंटरमीडियरी भी हो सकती है, कोई बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है. अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो ऑथेंटिकेशन अंडर आधार. देखो, आधार को यूज करके भी दो तरीके के वेरिफिकेशन हो सकते हैं. एक होता है ऑथेंटिकेशन अंडर आधार, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन. ठीक है, वो अपना पूरा प्रोसेस है, आपकी एक सेपरेट एक्ट है जिसमें एवरीथिंग इज मेंशनड. तो दो तरीके से हमारा वेरिफिकेशन चल सकता है आधार में. मतलब ऑफलाइन वेरिफिकेशन विदाउट इवन गिविंग ऑल द डिटेल्स, आप क्या करते हो, वेरीफाई कर लेते हो क्लाइंट की आइडेंटिटी, वो जनरेट करते हैं, देयर इज अ होल प्रोसेस. ठीक है, विल नॉट गेट इनटू दैट, बट दो तरीके के आपके वेरिफिकेशन हो सकते हैं. सो आधार ऑथेंटिकेशन. अब उसके बाद अगला दिया है यूज ऑफ पासपोर्ट. मतलब आप अपने क्लाइंट से उसका, देखो हमने अगर बैंकिंग फ्रीक्वेंटली करते होगे तो अब आपको पता होगा पहले बीच में क्या हुआ था. आधार वॉज मैंडेटरी, उसके बाद बोला गया नहीं आधार इज नॉट मैंडेटरी. मतलब जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो, यू नीड नॉट फर्निश आधार, आप कोई और प्रूफ भी फर्निश कर सकते हो. आधार इज नॉट मैंडेटरी, राइट? बट हम यहाँ पे बोल रहे हैं आधार से भी आप वेरीफाई कर सकते हो अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटी. आप पासपोर्ट से भी वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप कोई भी और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट
या कोई भी मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, वो भी यूज कर सकते हो. इज दैट कुछ टेक्निकल है क्या? ये तो मैम एकदम कॉमन सी बात है, हमें पता ही है. प्रोवाइडेड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में if satisfied that a reporting entity other than a banking company complies with such standards of privacy and security under Aadhaar and it is necessary and expedient to do so, permit such entity to perform authentication under clause A. हमने सबसे पहला क्या बोला, जो आधार के अंदर authentication होता है वो सिर्फ और सिर्फ banking company कर सकती है. आप देखोगे आजकल क्या होता है, जब आप जाओगे बैंक में अकाउंट खोलने, आपका आधार नंबर से वो पूरा आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है, विच इज परमिटेड ओनली फॉर बैंकिंग कंपनीज. पर हमने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है वो और लोगों को भी ये क्लॉज ए का वेरिफिकेशन परमिट कर सकती है. ओके, अब एक पॉइंट और. अगर रिपोर्टिंग एंटिटी आधार ऑथेंटिकेशन करती है तो भी इट शैल मेक अदर मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो अवेलेबल. अगर मेरे पास आधार नहीं है और मेरा बैंक अकाउंट है और मुझे अपने बैंक की सर्विसेज अवेल करनी है, तो आप बोलो नहीं हम तो आधार ऑथेंटिकेशन हम फॉलो करते हैं तो हम यही करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते. आपको बाकी मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बाकी मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन भी अवेलेबल कराने पड़ेंगे. और अगर आधार नहीं है या ये मैं नहीं देना चाहती हूँ तो इस वजह से मेरी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, मतलब यू कैन नॉट डिनाई मी सर्विस फॉर नॉट हैविंग एन आधार नंबर. इफ आई हैव एन आधार नंबर गुड इनफ, इवन इफ आई डोंट हैव यू कैन नॉट डिनाई एनी बैंकिंग सर्विस टू मी. सो इट इज ओके, यू कैन हैव दैट आधार ऑथेंटिकेशन बीइंग डन, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू मेक अवेलेबल अदर मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन. ठीक है, और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आप कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे, मतलब नो इन्फॉर्मेशन यू कैन स्टोर, इट इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पस. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और एडिशनल सेफगार्ड्स भी नोटिफाई कर सकते हैं फॉर वेरीफाइंग. ठीक है, फॉर दैट वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और इट्स बेनिफिशियल ओनर. इज दैट क्लियर? So, ये जो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 12 में हर रिपोर्टिंग एंटिटी वेरीफाई करती है इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, हर रिपोर्टिंग एंटिटी अपने बेनिफिशियल ओनर को वेरीफाई करती है इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ये दोनों जो आपके क्लॉजेस हैं ओमिट हो गए. क्यों? क्योंकि अब एक अलग सेक्शन ही आ गया जो हमें बताता है वेरिफिकेशन के बारे में. ठीक है, सो सेक्शन 12 से ये दोनों चीजें ओमिट हुई और 11A इंसर्ट हुआ न्यू सेक्शन. इज दैट क्लियर? चलिए moving on to the next amendment in Foreign Contribution Regulation Act, FCRA. Foreign Contribution Regulation Act. सबसे पहला amendment in Rule 6A. For the words 25,000 rupees, the words 1 lakh rupees shall be substituted. Mark it as very, very important. Foreign contribution किसे कहते हैं? जब हम section 2 में foreign contribution की definition देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी foreign source से आपको कोई article भी मिल रहा हो तो उसको भी हम foreign contribution बोलते हैं. पर अगर उस article की value, ठीक है, मतलब इफ द आर्टिकल इज गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज, तब हम उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोलते हैं अगर उसकी मार्केट वैल्यू इज नॉट मोर देन द सम स्पेसिफाइड. रिमेंबर दिस. और रूल 6A में वो सम स्पेसिफाइड था एज 25,000 रुपीज, विच हैज नाउ बीन इंक्रीज टू 1 लाख रुपीज. तो अगर किसी ने आपको फॉरेन सोर्स से कोई आर्टिकल गिफ्ट किया है एंड द वैल्यू ऑफ विच इज 75,000, पहले के हिसाब से वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाता, पर अब अमेंडमेंट के बाद वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, दिस लिमिट हैज बीन एनहांस्ड टू 1 लाख रुपीज. आई होप दैट इज क्लियर. सेक्शन 2 में जहां पे आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो आपको ये चीज वही मिलेगी. रूल 6A में ये लिमिट स्पेसिफाइड थी 25,000. ठीक है, सो मेक अकॉर्डिंगली, मार्क दीज करेक्शंस इन योर मटेरियल ऑल्सो जहां से आप पढ़ रहे हो. क्लियर? चलिए अगला जो हमारा अमेंडमेंट है वो है रूल 7B. For the words 60 days, the words 1 month shall be substituted. अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूंगी. सेक्शन 6 है जो कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करता है. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में, जैसे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस बेयरर हूँ और मैं बाहर गई और मुझे क्या मिला है, कोई मेरी खूब देख रेख कर रहा है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आई एम रिसीविंग, राइट? ऐसी सिचुएशन में ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि कुछ लोग लेजिस्लेचर के मेंबर्स हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस ब्यूरर है, हम लोग जाके फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते. ठीक है, हम लोग जाके फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते, और अगर हम लेते हैं तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन देनी है FC2 फॉर्म, हमको सब चीज पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है. इसमें अगर मतलब हमें प्रायर परमिशन लेनी होती है कि हम ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने वाले हैं. अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस बेयरर हूं, मैं बाहर गई अब्रॉड और वहां पे सडनली मेरी तबीयत खराब हो गई, दैट इज सडन इलनेस, और उस वजह से मुझे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी पड़ी, तो भी मुझे अब तब तो मैं एप्लीकेशन नहीं लिखने बैठूंगी ना कि पहले मुझे परमिशन दीजिए कि क्या मैं ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकती हूँ. तब तो क्या होगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मुझे होश आएगा और उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि अच्छा, आई हैड टू इंटीमेट माई गवर्नमेंट, मैंने तो उनसे परमिशन ही नहीं ली. अब परमिशन नहीं ली तो चलो कोई बात नहीं, बाद में इन्फॉर्म तो करना होगा. सो उसी के रिस्पेक्ट में ये हमने पढ़ा था. होता क्या था, जो सेक्शन है उस सेक्शन में लिखा हुआ था, सेक्शन में अगर हम बात करें तो सेक्शन में लिखा हुआ था 1 month, और जो रूल्स है दैट इज रूल 7, उसमें लिखा हुआ था कि ये इंटीमेशन आप 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे सकते हो. दैट मींस देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन, और हम ये मानते थे कि सेक्शन ओवरराइड करेगा रूल्स को, तो हम 1 month का समझ के पढ़ के आगे बढ़ते थे, राइट? नाउ दिस कंफ्यूजन, दिस इनकंसिस्टेंसी हैज बीन रिमूव्ड, तो उससे आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा. आप पहले भी 1 month के अंदर ही पढ़ते थे, अभी भी आपको 1 month के अंदर ही पढ़ना है. मतलब आपने फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर ली इन केस ऑफ सडन इलनेस, तो विद इन 1 month यू नीड टू इंटीमेट. ठीक है, पहले भी यही था, अब भी यही है, पर क्योंकि पहले रूल्स में 60 डेज था एंड दैट यूज टू क्रिएट अ कंफ्यूजन, वो रूल्स को अमेंड किया गया है और वहां पे क्या ले आया गया, 1 month ही. सो अब सेक्शन और रूल्स दोनों कंसिस्टेंट हो गए हैं और दोनों में क्या लिखा हुआ है, 1 month. ठीक है, हाँ उसमें भी लिमिट है कि अगर आपकी मेडिकल एड 1 lakh के अंदर अंदर होती है तो कुछ इंटीमेशन की जरूरत नहीं है, उससे एक्सीड करती है तो आपको इंटीमेशन देना होता है. नेक्स्ट आवर अमेंडमेंट इज इन रूल 12. अगला अमेंडमेंट है हमारा रूल 12 में. आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म FC3C, the words and letters with an affidavit executed by each office bearer and a key functionary and member and performer AA appended to these rules. मतलब एक नया performer आया which has been appended to these rules, और इसके साथ आपको एक affidavit देना होगा. ये क्या बात कर रहा है मैम, सबसे पहले तो ये बताइए. तो सेक्शन 16 जो आपका है ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें हम सर्टिफिकेट को रिन्यू करते हैं. You receive, you get a certificate of registration, right? Certificate of registration आपको obtain करना होता है कि नहीं होता है? Certificate of registration या उस particular case में आपको permission लेनी होती है.
वो आपका क्या होता है दैट एक्सपायर्स राइट, उसकी वैलिडिटी होती है 5 years, उसके बाद वो एक्सपायर कर जाता है. सो आपको उसको रिन्यू कराना होता है. रिन्यूअल का आपका सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 16. सेक्शन 16 के रिन्यूअल की जब आप एप्लीकेशन देते हो इन फॉर्म FC3, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन आप दोगे इट इज नाउ गोइंग टू बी एनेक्स्ड विद एन एफिडेविट. सो अब आपको साथ साथ एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा बाय ईच ऑफिस ब्यूरर एंड की फंक्शनरी एंड मेंबर इन प्रोफॉर्मा AA. दैट्स इट. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अमेंडमेंट. अगला अमेंडमेंट अमेंडमेंट ही नहीं है, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. पहले हम हर एक्ट में, बिकॉज वो एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, तो हर एक्ट में क्या पढ़ते थे, एप्लीकेबिलिटी पढ़ते थे, एंड हमें पता होता था वेदर दिस पर्टिकुलर एक्ट अप्लाइज टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नॉट. राइट, नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, दिस हैज बीन रिमूव्ड. सो जो हमारी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, जिसमें था कि ये आपका एक्सटेंड होगा, मतलब पार्ट्स 1, 3 and 4 विल एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली इन सो फार जहाँ तक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कंसर्नड है, वो हट गया है, वो प्रोविजो हट गया है. ठीक है, सो नाउ द एक्ट अप्लाइज एज अ होल. राइट, तो कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है. बहुत ही छोटी सी बात थी. नाउ अगला हमारा अमेंडमेंट है इन द चैप्टर ऑफ IBC, that is Insolvency and Bankruptcy Code 2016. पहला अमेंडमेंट देखते हैं, इसका हमारा क्या दिया हुआ है. In Section 5, Clause 26, pertaining to the definition resolution plan, following explanation is added. So only an explanation is added. Resolution plan ki definition, jo ki section 5 clause 26 mein defined hai, usme kya likha hua karta tha? Resolution plan, a plan proposed by the resolution applicant for insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern in accordance with part 2, right? इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, क्योंकि और कुछ भी नहीं लिखा है कि रेजोल्यूशन प्लान हमारा कैसे हो सकता है, वही क्या हो सकता है, क्या कोई मर्जर हो सकता है, या कुछ स्ट्रिक्टली यही चीज फॉलो करनी, मतलब व्हाट व्हाट द प्लान, प्लान का स्कोप क्या है, प्लान का एम्बिट क्या है, दैट वाज़न्ट स्पेसिफाइड. सो दैट हैज नाउ बीन स्पेसिफाइड थ्रू एन एक्सप्लेनेशन. तो इस सेक्शन की इस डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है और बोला गया है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है वो आपका इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर. तो जो आप प्लान प्रेजेंट करोगे फॉर द रेजोल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, दैट कैन बी अ मर्जर ऑल्सो, मतलब यू कैन मर्ज विद सम अदर कंपनी, यू कैन डीमर्ज सर्टन सेक्टर्स, और यू कैन ऑल्सो अमालगमेट. ठीक है, सो ये सारी चीजें भी आपके रेजोल्यूशन का प्लान पार्ट हो सकती हैं, एंड दैट विल आल्सो बी नोन एज अ रेजोल्यूशन प्लान ओनली. सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, दैट्स हाउ वी यूज्ड टू इंटरप्रेट इट अर्लियर आल्सो. अगला हमारा अमेंडमेंट है इन सेक्शन 7, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4. इसमें एक प्रोविजन ऐड किया हुआ है provided that if the adjudicating authority has not ascertained the existence of default and passed an order, it shall record its reasons for writing the same. ये क्या है? Section 7 की अगर हम सबसे पहले तो बात करें, तो जो financial creditor होता है वो अगर आपका corporate insolvency resolution process को initiate करता है तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है. वो एप्लीकेशन फाइल करता है, मतलब अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इटसेल्फ कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर दैट रेजोल्यूशन पर्पस. उसमें सब चीज आपको इंक्लोज करना होता है. जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो
विदिन 14 डेज एप्लीकेशन मिलने से वो एसर्टेन करते हैं कि क्या सच में डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और उसके बाद वो ऑर्डर पास करते हैं कि हाँ डिफॉल्ट हैज अकर्ड या जो भी एप्लीकेशन है आपकी एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? उसके बाद वो ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, बाय एडमिटिंग दैट एप्लीकेशन. क्लियर? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उसने एप्लीकेशन फाइल की फॉर दैट रेजोल्यूशन प्रोसेस. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको एप्लीकेशन को सारे इनक्लोजर को देख के एसेस करते हैं, देख के एनालाइज करते हैं कि क्या सच में डिफॉल्ट थी या नहीं थी, और उसके बाद वो एप्लीकेशन एडमिट या रिजेक्ट करते हैं. यहाँ पे एक प्रोविजन ऐड हुआ है, वो ये बोलता है कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिफॉल्ट एग्जिस्ट की ही नहीं और उसके पहले ही ऑर्डर पास कर दिया, तो वो लिखेंगे क्यों उन्होंने ऐसा किया. दे हैव टू एसर्टेन दैट डिफॉल्ट फर्स्ट, राइट? तो यहां पे हमें ये भी स्कोप मिल रहा है, एक तरीके से ये भी मिल रहा है कि अगर आपने देखा, अगर आप एसर्टेन नहीं भी कर पाए कि डिफॉल्ट है या नहीं है, तो भी आप एप्लीकेशन एडमिट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने रीजंस लिखे हो. अगर आपने डिफॉल्ट एसर्टेन कर ली कि हाँ डिफॉल्ट है, जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप जाके एक्सेप्ट कर ले, तो अदरवाइज यू रिजेक्ट द सेम. इस प्रोविजो के आने के बाद से देखो चीजें कितनी टर्न हो रही हैं और क्लियर हो रही हैं, और कि अगर हमने ऑर्डर पास कर दिया दैट मीन्स आई हैव एडमिटेड दैट एप्लीकेशन, मैंने ऑर्डर पास कर लिया, मैं एसर्टेन नहीं कर पाई कि डिफॉल्ट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, मैंने रिजेक्ट भी किया डिफॉल्ट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, मुझे लगा, मुझे क्या लगा ये मैं एसर्टेन ही नहीं कर पाई, उसके पहले ही मैंने ऑर्डर पास कर दिया, तो मुझे रीजंस लिखने होंगे इन राइटिंग फॉर द सेम, दैट्स इट, ठीक है. अब अगला हमारा अमेंडमेंट है इन सेक्शन 12, इन सेक्शन 12 सेक्शन 12 जो कि बात करता है द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. तो हमें टाइम लिमिट क्या दी हुई है, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन. इसमें प्रोविजो ऐड हुआ है, प्रोविजोस क्या ऐड हुए हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल मैंडेटरली बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 330 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन. हमें नॉर्मल प्रोसेस क्या बोला गया था कि 180 डेज का होता है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को हम एप्लीकेशन दें तो आपका प्रोसेस जो है एक्सटेंड भी हो सकता है बाय 90 डेज, राइट? यहाँ पे हमें बोला गया कि ये जो टोटल टाइम पीरियड होगा आपका ये 330 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन, इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन, ठीक है. और वेयर इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेट इज पेंडिंग एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन द पीरियड रेफर्ड अबव, सच रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट. सो 90 डेज का आपका ट्रांजिशन है, मतलब जब ये अमेंडमेंट एक्ट आई उसके पहले अगर आपका उतने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ जितने टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, तो 90 डेज का आपके पास फर्दर टाइम है, 90 डेज में ये आप कंप्लीट कर लीजिए. क्लियर? अगला हमारा अमेंडमेंट है सेक्शन 25A का, सेक्शन 25A. सारे इसमें छोटे छोटे अमेंडमेंट्स ही हैं. सेक्शन 25A में हम बात करते हैं द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. एक सबसेक्शन ऐड हुआ है जिसमें ये बोलता है कि जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना वोट कास्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रिप्रेजेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन बाय अ वोट ऑफ मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रिप्रेजेंट्स हु हैव टू कास्ट देयर वोट. कुछ समझ में आया? पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो ये एक नया एडिशन है, सो ऐसा नहीं है कि कुछ डिलीट होके या कुछ चेंज होके आ रहा है, जो आपने पढ़ा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक नई चीज है. हमने क्या पढ़ा था
एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, सपोजिटली आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग 5 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. मैं 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अब इसने मुझे बोला था कि आपको इस पे एग्री करना है, इसने बोला नहीं एग्री करना है, तो जिसने मुझे जो डायरेक्शंस दिए हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करूंगी और वोट करूंगी. यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि इतने लोग होते हैं, आप इतने लोगों को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उनके वोटिंग शेयर के हिसाब से अपने सारे वोट्स उनके कैलकुलेट करो, और उसमें जो भी आपका 50% से ज्यादा आता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप वोट कीजिए. मिस्टर ए है, मतलब ए बी सी डी ई, 5 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं ये, और मैं इनकी इकलौती ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ. इनके पास कितने हैं, सपोजिटली इनके पास 2 वोट्स आते हैं, इनके पास 3 आते हैं, इनके पास 4 आते हैं, इनके पास 1 आते हैं, इनके पास 2 आते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है. इन 3 लोगों ने मिलके क्या किया, वोट दिया इन फेवर और इन दोनों ने नो बोल दिया. सो अल्टीमेटली What is going to happen is, जो परसेंटेज ऑफ वोट इनका फॉल करता है टोटल, वो परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से आई एम ऑल्सो गोइंग टू वोट, ठीक है. तो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना वोट कैसे कास्ट करेगा, ये बोला गया है, इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन बाय अ वोट ऑफ मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रिप्रेजेंट. तो यहां पर जो भी आया मोर देन 50% उस हिसाब से क्या करेगा, ये जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी वोट कास्ट करेगा, ठीक है. अगला हमारा अमेंडमेंट है इन सेक्शन 30. सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी. इसमें बोला गया है कि ये पूरा का पूरा हम क्लॉज को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट करके हम क्या लेके आ रहे हैं, पहले तो ये समझते हैं कि ये सेक्शन क्या बोलता है हमें. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन प्लान. जब भी हम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं तो रेजोल्यूशन प्लान के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे जो हमारे सबसेक्शन 2 में कवर्ड हैं, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, कि जो हमारा रेजोल्यूशन प्लान होगा इट शुड कन्फर्म टू दीज थिंग्स. तो जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो एग्जामिन करता है हर रेजोल्यूशन प्लान को ऑन दीज बेसिस, जो चीजें स्पेसिफाइड हैं. इसी का क्लॉज भी है और उसी को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब उसी को हमने बदला है. अब ये क्या बोलता है कि हमारे रेजोल्यूशन प्लान शुड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट्स ऑफ डेट्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, विच शैल नॉट बी लेस दैन the amount to be paid to such creditors in the event of liquidation or the amount that would have been paid in order of priority. मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना. पहले लिखा हुआ था कि आपको operational creditors की debts के लिए भी provision रखना है in manner as may be specified by the board, which shall not be less than the amount to be paid to operational creditors in the event of liquidation. बस इतनी ही बात थी. आई रिपीट वंस अगेन, सेक्शन 30 क्या है, हमारा रेजोल्यूशन प्लान की बात करता है. मतलब एक कंपनी है जो कि इंसॉल्वेंट होने की कगार पे है, वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करना चाहती, मतलब इट वॉन्ट्स टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. मैं एकदम आपको लेमैन की तरह बता रही हूँ, इट वॉन्ट्स टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. उसका पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है, हाउ यू अपॉइंट अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एवरीथिंग. नाउ यू हैव मेड अ प्लान, आपने एक प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, इतनी परसेंट पेमेंट इनको कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं, इससे हम रिकवर कर सकते हैं फंड्स, इसको हम दे सकते हैं, ऐसे ऐसे आपने पूरा एक प्लान बनाया. दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेजोल्यूशन प्लान, हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइव बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. तो ये आपने रेजोल्यूशन प्लान बनाया. ये रेजोल्यूशन प्लान आप जब सबमिट करते हो तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना वो चेक करता है आपका हर रेजोल्यूशन प्लान जो आप सबमिट करते हो शुड कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स दैट आर गिवन अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2. तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स गिवन है कि जो भी आपकी पेमेंट है इस पूरे प्रोसेस की,
वो मीट आउट होनी चाहिए, मतलब पेमेंट फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का खर्चा 50,000 है तो आपके इस प्लान में, आपके इस बजट में जो भी आपने बनाया है ये चीज होनी चाहिए। लाइक वाइज सेकेंड क्लॉज, जो क्लॉज बी की हम बात कर रहे हैं, उसमें था कि जो आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं आप उनके जितने भी डेब्ट्स हैं उनकी पेमेंट का तो यहाँ पे प्रोविजन बना होना चाहिए। कितना पेमेंट, कितना पेमेंट, ये क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन उठता है। देखो अगर मैं बोलूं कि हम रिजॉल्व जब कर रहे हैं तो हमने बोला कि हम अपने क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए ही देंगे, और कंपनी अगर वाइंड अप होती, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इन द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, मतलब जो आपके प्रायोरिटी पेमेंट्स है सेक्शन 53 में स्पेसिफाइड है, सबसे पहले आपको ये पे करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर कंपनी वाइंड अप होती, लिक्विडेट होती और लिक्विडेशन के हिसाब से आप पेमेंट करते तो इन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को 70,000 पेमेंट मिलती। आपने अपने रेजोल्यूशन प्लान में लिख दिया कि इनको 50,000 दे दो, अगर कंपनी को हम बंद कर देते तो भी हमें 70,000 मिलते, तो क्या ये जस्टिफाइड है? इससे बेटर तो कंपनी बंद ही कर दो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के हिसाब से, राइट? तो यहां पे ये बोला गया कि जो अमाउंट आप इनको लिक्विडेशन के समय देते, ठीक है, या फिर जो अमाउंट इनको 53 सेक्शन के हिसाब से प्रायोरिटी पेमेंट के हिसाब से मिलता है, इस दोनों में से जो ज्यादा है, विच एवर इज हायर, कम से कम वो अमाउंट तो आप यहां पे लिखिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान। अदरवाइज आपका रेजोल्यूशन प्लान हम मानेंगे कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 को कंप्लाई नहीं करता है। इज दैट क्लियर? सो द amount to be paid in the event of liquidation of a corporate debtor, या the amount that would have been paid to such creditors, अगर amount आपका distribute होता in order of priority, whichever is higher. तो जो भी higher है, कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम, अगर board specify करे 1 lakh, 70,000 से भी ज्यादा, good enough, तब तो proper compliance है। तो पहले ये चीज नहीं थी, अब priority payment, ये भी include हो गया section में, and higher of the two is considered. ओके और इसके साथ साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की भी बात आ गई, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की भी बात आ गई, एंड प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु डू नॉट वोट इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है? अप्रूव किया जाता है, रेजोल्यूशन पास होता है, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, मतलब दे हैव वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन प्लान, आपको उनके भी डेट्स के पेमेंट के लिए प्रोविजन बनाना है एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है, विच शेल अगेन नॉट बी लेस दैन द अमाउंट टू बी पेड टू सच क्रेडिटर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53, मतलब प्रायोरिटी पेमेंट के हिसाब से जितना उनको मिलता वो भी आपको यहां पे बनाना है। सो यहां पे मैं बोल सकती हूँ डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, द वंस हु हैव नॉट अप्रूव्ड दिस रेजोल्यूशन प्लान, डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इनके भी पेमेंट का आपको प्रोविजन बनाना है विच शेल नॉट बी लेस दैन, नॉट बी लेस दैन जो उनको मिलता सेक्शन 53(7), ठीक है, प्रायोरिटी पेमेंट का जो सेक्शन है। कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, दैट इज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज गोइंग टू बी फेयर एंड इक्विटेबल, एंड जो आपके प्रोविजंस हैं दे आर आल्सो गोइंग टू अप्लाई टू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर, जहां पे आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया, या जहां पे अपील प्रेफर की गई है, या जहां पे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है। एंड द लास्ट टू छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स आई वुड से, अगला है हमारा सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 में अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर और पावर्स कन्फर की गई है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर कुछ बाइंड भी किया है।
सेक्शन 31 की अगर हम बात करें तो उसमें रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता था बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और जैसे ही वो प्लान अप्रूव हो जाता था इट बिकम्स बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑन होम, binding on the corporate debtor, binding on all the members, binding on all the employees, binding on all the creditors, guarantors, stakeholders, जो भी involved है, right? It is now also going to be bind on central government, state government, या local authority जिसके to whom a debt in respect of the payment of dues, अगर You can say are owed, मतलब अगर एक कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ड्यूज पे करने हैं और उनका ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बाइंड करेंगी. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर ड्यूज के हिसाब से अप्रूवल हुआ है सिर्फ 10,000 का, तो आपको सिर्फ 10,000 मिलेगा. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नहीं बोल सकती कि नहीं हम वी आर नॉट बाउंड बाय दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्लान. दिस रेजोल्यूशन प्लान इज नाउ गोइंग टू बाइंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, एनी लोकल अथॉरिटी ऑल्सो, जिनको कि हमें कोई भी डेप्ट देनी है. ठीक है, डेप्ट हम उनको क्यों देते हैं? द स्टैट्यूटरी ड्यूज जो हम ओ करते हैं, राइट. एंड लास्टली सेक्शन 33 सबसेक्शन 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है और बोला है दैट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे टेक द डिसीजन टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर एनी टाइम आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिफोर द कन्फर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. मतलब जब तक आपका रेजोल्यूशन प्लान कन्फर्म नहीं हुआ है उसके पहले पहले आप क्या कर सकते हो, कॉर्पोरेट डेटर को चाहो तो लिक्विडेट करने का भी डिसीजन ले सकते हो. दिस इज ओनली एन एक्सप्लेनेशन दैट हैज बीन एडेड टू दिस पर्टिकुलर section, right? So with this we come to the amendments of CA final corporate and economic laws. Hope it is all clear. Or jo bhi amendment aapko kam samajh mein aaya ho ya thoda sa confusion ho, ek baar section fir se padhiye aur fir koshish kariye, to I'm sure you'll get it. Baki main to hui hi, right? Thank you.